सेगांव में आज कृषि उपज मंडी प्रांगण में विधायक केदार सिंह डावर द्वारा पेयजल हेतु 12 ग्राम पंचायतों को टैंकर का वितरण किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय सिंह डावर, जनपद उपाध्यक्ष ओम प्रकाश पाटीदार, उप सरपंच नारायण अग्रवाल और आसपास के ग्राम से पंचायत सरपंच सचिव मौजूद थे। समारोह में विधायक डावर द्वारा सभी टैंकरों की विधि विधान से पूजा अर्चना और श्रीफल फोड़कर टैंकरों का वितरण किया गया। समारोह का संचालन पंचायत सचिव हुकुम सावले द्वारा किया गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। कितने टैंकरों का वितरण किया गया विधायक निधि से? आज 12 टैंकर 12 ग्राम पंचायतों को पानी के पेयजल टैंकर वितरण किए गए हैं और ये पेयजल की ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए, लोगों की मांग को देखते हुए हम लोगों ने ये तीसरा, पहले दो बार हम वितरण कर चुके हैं, पर जैसे जैसे लोगों की जैसे मांग आती रही हम लोग उसको आगे आदेश आर्डर करवा के स्वीकृत करवा के वितरण कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। परम पूज्य सदगुरु देव श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से मानव उत्थान सेवा समिति शाखा जिला खरगोन द्वारा गरीब जरूरतमंद 130 बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। ग्राम बनिहार में विकासखंड सेगांव जिला खरगोन में मिशन एजुकेशन के तहत पूज्य महात्मा धारा बाईजी महात्मा अनासत्ता के कर कमलों द्वारा गरीब जरूरतमंद 130 बच्चों को शिक्षण सामग्री प्रदान की गई, जिसमें समस्त यूथ विंग एवं मानव सेवा दल के पदाधिकारी गण एवं स्वयं सेवक ग्राम बनिहार के सरपंच प्रतिनिधि और स्कूल के प्रधान शिक्षक सभी के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। भारत माता की जय। भारत माता की जय। टीचर साहबान, आदरणीय सरपंच साहब और मेरे बुजुर्गों और जूत के मानव सेवा दल के सभी कार्यकर्तागण, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, हम सभी लोग आप लोगों के बीच में आज ये सामग्री जो है वितरण करने के लिए जहां पर आए हैं, हमारा सामग्री वितरण करने का एक ही लक्ष्य है कि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उन तक प्रचार का ये जो बच्चों के लिए सामग्री है, पुस्तक है, कॉपी है, पेंसिल है, जो आपको जरूरत लगती है वो चीजें जो है आप तक पहुंचाई जा सके, ताकि समाज के अंदर आप लोग पढ़ लिख करके अपने जीवन को उज्जवल बनाएं और इस समाज को एक अच्छी दिशा जो है वो प्रदान करें। तो बच्चों, हमारे जीवन के अंदर बहुत ही जरूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर सत्य को धारण करें। देखो, हमारे देश के राष्ट्रपिता जो है वह महात्मा गांधी जी को कहा जाता था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।